जिंदगी में एक घर आपको फाइनेंशियल और इमोशनल फ्रीडम देता है, साथ ही साथ ये हमें सोशल सिक्योरिटी भी देता है। मगर एक घर खरीदना हमारे जीवन काल के सबसे अधिक लागत वाले कार्यों में से एक है। इसलिए अपने सपनों का घर खरीदने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप इसके लिए आर्थिक रूप से तैयार हों। मगर अधिकतर समय जैसे ही हम घर खरीदने के लिए आर्थिक रूप से तैयार होते हैं, घर की कीमतें उतनी ही तेजी से बढ़ जाती हैं। तो क्या अभी आप घर खरीदने के लिए आर्थिक रूप से तैयार हैं? यदि नहीं तो अभी से अपनी कमर कस लें, क्योंकि नोएडा भविष्य का एक उभरता हुआ लग्जरी डेस्टिनेशन है, जिसके कारण आने वाले समय में यहाँ की कीमतें बढ़ना तो तय है। और बड़े बड़े कॉरपोरेट और नामी ग्रामी बिल्डर के आने से यहाँ पर लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। इसलिए यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में यहाँ की प्रॉपर्टी आपके हाथ आने वाली है, तो यहाँ आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि नोएडा का गोल्डन एरा अब शुरू हो चुका है और यहाँ से चीज़ें अब बेहतर ही होंगी। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि नोएडा अफोर्डेबल है, तो वो लोग गलत हैं, क्योंकि नोएडा अब लग्जरी प्रॉपर्टी का उभरता हुआ डेस्टिनेशन है। आइए जानते हैं कैसे। नोएडा अपनी कनेक्टिविटी और ब्यूटीफुल नेचर के कारण होम बायर्स के लिए तेजी से एक लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। वैसे तो नोएडा सभी सेगमेंट्स की मांग को पूरा करने में सक्षम है, मगर बीते सालों में हम नोएडा को एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन के रूप में देखते थे, मगर अब ये एक उभरता हुआ लग्जरी डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर है। नोएडा में आपको अलग अलग सेगमेंट्स के लोग मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ की प्रॉपर्टी में विविधताएं हैं। और लग्जरी सेगमेंट में नोएडा में लगातार प्रगति दिखाई दे रही है, और इसलिए बढ़ती हुई डिमांड के चलते बिल्डर्स ने भी समय के साथ साथ कुछ लग्जरी प्रॉपर्टी का भी निर्माण किया है, जो शहर को एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। और आने वाला समय नोएडा में लग्जरी होम्स का है, और इसमें भाग लेने वाले सभी ए कैटेगरी के बिल्डर हैं, जिसमें M3M, L&T, मैक्स एस्टेट्स, गुलशन होम्स, ABA कॉर्प, BPTP और गोदरेज हैं, जिसके कारण यहाँ की कीमतें तो बढ़ना तय है। अब कई लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इन अपार्टमेंट्स में ऐसा क्या है जो इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर भी इनका मूल्य अलग अलग है, क्योंकि मूल्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म, गुण और योग्यता से होता है। और जिन अपार्टमेंट्स की कीमतें आपको मौजूदा समय में ज़्यादा लग रही हैं, वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कम लगने लगेंगी, क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स अब यहाँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होने वाले हैं, उनमें से लगभग सभी प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ के ऊपर ही आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी के हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्डर यहाँ मिड सेगमेंट के फ्लैट लाना नहीं चाहते, मगर अथॉरिटी की 100% लैंड पेड पॉलिसी के कारण जितने भी बिल्डर यहाँ ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स खरीद रहे हैं, उनको 3 महीने में पूरी जमीन का पैसा अथॉरिटी में जमा कराना पड़ेगा। इसलिए यदि बिल्डर लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं बेचेंगे, तो उनको प्रोजेक्ट से प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर लग्जरी सेगमेंट की बात करें, तो आज नोएडा में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट में से एक लग्जरी रियल एस्टेट है, क्योंकि ये आने वाले समय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रॉपर्टी है, जिसकी मांग नोएडा में लगातार बढ़ रही है और जो भविष्य में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी प्रदान करेगी। लग्जरी रियल एस्टेट गुड़गांव जैसे शहर में तो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, मगर अब ये नोएडा में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है, जिसमें सेक्टर 107, 128, 144, 146 और सेक्टर 150 सबसे प्रमुख हैं, जो दिल्ली से पास होने के चलते धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं। जिंदगी में घर मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, क्योंकि सपनों के घर को सपनों से नहीं बल्कि कर्मों से पाया जाता है। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स को NCR के दूसरे शहरों के मुकाबले नोएडा में आने से अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी के नोएडा में कुछ अपने ही फायदे हैं, जिसमें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनरी दूसरे शहरों को मात देती है और एक एंड यूजर को अपना आशियाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। दरअसल COVID-19 महामारी ने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को काफ़ी हद तक बदल दिया है, और खासकर जब होम बायर्स की बात आती है,
तो देश भर में लोगों की धारणा में काफी बदलाव देखा जा रहा है और लॉकडाउन के समय खुद को घर में कैद होता देख लोगों ने जो अनिश्चितता का अनुभव किया उसके बाद उन्होंने महसूस किया है कि किराए की संपत्ति में रहने की तुलना में अपने घरों में रहना कहीं अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक है, जिसके चलते अब बहुत से लोग लग्जरी सेगमेंट को एक पीसफुल लाइफ के लिहाज से भी देख रहे हैं। लग्जरी लाइफ में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को नोएडा एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। कोरोना पैंडेमिक के बाद बहुत से लोग एक ऐसे वातावरण की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें फ्रेश एयर प्रदान करे, और ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ वेल प्लान नोएडा उन्हें यही अवसर प्रदान करता है, और इसलिए यहाँ के लग्जरी सेगमेंट को कोरोना पैंडेमिक के बाद से ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। समय आपको सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाता है। इसलिए इस समय का सही इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी में निवेश करें, क्योंकि जिंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। जय हिंद।